ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। एक जालसाज महिलाओं को गार्ड की नौकरी देने का झांसा देकर पैसे लेता और फिर गायब हो जाता। इस जालसाज को महिलाओं ने रोहिणी में ढूंढ निकाला और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन सारे सबूत होने के बावजूद पुलिस महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं कर रही, बल्कि थाना विवाद में उलझी है। दिल्ली पुलिस महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का दावा करती है। देखिए दिल्ली पुलिस के दावे को आईना दिखाती ये खबर। आजकल दिल्ली में ऐसे गैंग भी सक्रिय हैं जो गरीब महिलाओं को हॉस्पिटल, स्कूल आदि में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे ठगी करता और फिर गायब हो जाता। उसके बाद फिर से एक नई जगह पर ऑफिस खोलता और फिर जरूरतमंदों से ठगी करता। इस बार इस जालसाज ने रोहिणी में नई सिक्योरिटी एजेंसी खोली और ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने उसे ढूंढ निकाला। जब इनसे महिलाओं ने अपने पैसे मांगे तो इसने पैसे होने से इनकार कर दिया। उसके बाद महिलाओं ने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने उसे पकड़कर तमाम सबूतों के साथ विजय विहार थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घंटों बीत जाने के बावजूद इन महिलाओं को ये पता नहीं लगा कि पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है। मैंने लेडीजों को बोला कि भाई 2,000 रुपए वो बोल रहे हैं, तो बोली ठीक है आप हमारे को दे दो। मैंने कहा कि ठीक है तुम मुझे पैसे दो, मैं उसको देती हूँ। मैंने ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र किए पैसे 16,000 रुपये। एक महीने से मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और अब तो उसने नंबर भी बंद कर लिया और क्या कहते हैं लापता ही हो गया था, पता ही नहीं था। लेकिन किसी के थ्रू मुझे पता चला कि वो यहाँ कोई डीके मिश्रा का ऑफिस है रोहिणी सेक्टर 4 में, वहाँ पर वो बैठता है। जैसे ही मुझे पता लगा वैसे ही मैंने कल उसको पकड़ा वहाँ से और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पैसे कब दे रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब लोगों को पता लगा, सब लेडीज़ों को पता लगा। आई वो आके उन्होंने मतलब सब अपने पैसों की डिमांड करने लगी, पैसे दे पैसे दे। तब पुलिस वालों को कॉल कर दी गई, पुलिस वाले उसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जिन महिलाओं के साथ ठगी हुई है वे अलग अलग इलाकों से हैं। इसमें ताज़ा मामला स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का है, लिहाजा विजय विहार थाना पुलिस पकड़े गए आरोपी को लेकर स्वरूप थाना गई। लेकिन स्वरूप नगर थाना पुलिस ने भी मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। स्वरूप नगर थाना पुलिस आरोपी को लेकर फिर से विजय विहार थाना आई और उस पर मामूली झगड़े के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। जानकारी में सामने आया कि पकड़ा गया शख्स आरजू अपने सहयोगियों अभय मिश्रा, दुलार आदि के साथ मिलकर काफी समय से गरीब महिलाओं को बड़े और निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। कई पीड़ित महिलाएं ये सूचना मिलते ही विजय विहार थाना पुलिस पहुंची, इस आस में कि या तो इन्हें पैसा मिलेगा या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरोज हॉस्पिटल में नौकरी लगवाने के लिए लिए थे, ऑनलाइन करी हूँ 11 सितम्बर को। आज जब हम लोग इनको फोन करने लगे थे फोन नहीं उठाए, और फोन पर भी ऐसे बोल रहे थे कि आपका काम करवा दूंगा, इनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अब मैं बोली कि कब तक आप काम करोगे, तो आज कल बोले कि वर्दी नहीं सी लगी, अभी वर्दी के चक्कर में बोले। आज जब हमें पता चला तो हम लोग जब कि कहाँ बैठते हैं इनको, हम लोग जब ढूंढ लिए सारे लेडीजों मिल के तो हम लोग पकड़ के पुलिस का हाथ कर दिए। फ़ोन मैंने किया तो मैम ने उठाया, किसी सर ने उठाया, बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हो। मैं बोली सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, किस लिए, तो मैं जॉब के लिए। तो उन्होंने बोला कि कितना पैसा दियो, मैंने 3,000 रुपये दिए। तो बोला कि मैम ये फ्रॉड है, अगर आपको आना है तो यहाँ मिलो। तो सर मैं यहाँ आई और कल से मैं थाने में हूँ, 24 घंटे हो गया, ना कोई FIR हुई ना कुछ हुआ, भी अभी तक हम लोग ऐसे हैं। आरजू जो है वो बताया था ना कि हम सरोज हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हम लगवा देंगे। हमें सरोज हॉस्पिटल में बुलाया, वहाँ पर बातचीत किया, उसके बाद हम जब घर गए तो ये 500 बार हमारे पास फ़ोन करने लगा कि एक दिन के टाइम है, पैसा वापस दे दो कि हम वर्दी में आपको दे देंगे। फिर हम अपना पैसा कैसे उसे जाम करके सूद पर पैसा लेकर हम इसको 10,000 किया। कितने पैसे दिया? 10,000 सर, फ़ोन से हम भेज दिए इसको ऑनलाइन से। उसके बाद से नहीं, दूसरे दिन 10 बजे रात तक ले फ़ोन करता रहा कि हम अब वर्दी ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं। हम पूरे इंतजार करते रहे,
उसके बाद सुबह जैसे सुबह हुआ उसे इसका फोन बंद हो गया। इन्होंने कहा कि मैं लगवा दूंगा, कभी हमें भारत माता स्कूल में ले जाया जाता था, कभी नरेला स्कूल में लेके जाया जाता था, मगर वहाँ से हमें कोई ड्यूटी नहीं मिली। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दिला रहे थे हमें ये, मगर ये 32 लेडीज़ों को धक्के खुवाता था इधर उधर, मगर इन्होंने ड्यूटी नहीं दिलाई हमें और पैसे लेके हमारे भाग गया आरजू। कई जगह की इसने नौकरी दी, ये देखो मेरे व्हाट्सएप पे भी इसने काफ़ी नौकरियों के लिए बोला कि भी आप मतलब 5,000 दे दो पर मेंबर और आपको मैं सुपरवाइजर ही बना दूंगा, 15 से 20 मेंबर 23 मेंबर जितने भी आपको देने वो सब दो। और मैंने इसको दिए भी 5,000 रुपये करके, इसने मेरे से 23-24 बंदों के पैसे इसने मुझसे लिए हैं। और आज करके और फिर ये आरजू ने अलग मुझसे 15,000 रुपये लिए, जिसकी वजह से मैं अपनी, इसने फिर मेरे को एक साल से नचाना शुरू करा कि अब नौकरी नहीं है, अब नहीं है, आज वहाँ पर जाओ। लेडीज़ों को कौन ने फिर मेरे को बोलना शुरू करा कि मैडम हमने तो आपके थ्रू पैसे दिए हैं, वो करे हैं, अब जो और लेडीज़ हैं उनको भी। कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी लगवाने की बात है? सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी गार्ड की, या मतलब किसी भी, हाँ, कॉलिंग में या सिक्योरिटी गार्ड, जैसे भी जिसने वर्क करना हो उसी हिसाब से वर्क करने की बात। अब इन महिलाओं की उम्मीद स्वरूप नगर थाना पुलिस पर है। स्वरूप नगर थाना पुलिस के पास शिकायत भी है, लेकिन वह भी इस मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस का ये रवैया दिल्ली पुलिस महिला के सम्मान के दावे की पोल खोलता है।